ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक है जल संबंध, जो पिछली बार भी कर रहे उसका दूसरा पार्ट में करवाऊ। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, अंजू'स वाटर बोट होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। एक लड़की है अंजू, जो उसकी वाटर बोटल है उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, वो 1 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है। शी ड्रंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड अंशुमन ड्रिंक 150 ml। जो वो लड़की होती है वो कितना पीती है, 250 ml वो पीती है, और जो उसकी फ्रेंड होती है अंशुमन वो 150 ml वो पीती। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, और बॉटल में कितना पानी बचा, ये हमें क्वेश्चन करना है। अब हम किसको कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम, टोटल वाटर इन अंजू'स बॉटल, अंजू की बॉटल, टोटल वाटर अंजू'स बॉटल कितना है, 1 लीटर। वो किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। अब फिर क्या लिखेंगे हम, वाटर जो खर्च हुआ जो पिया उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूम्ड, वाटर कंज्यूम्ड बाय अंजू, अंजू ने कितना पानी पिया, 250 ml। हाँ, अब क्या लिखेंगे हम, वाटर कंज्यूमर बाय, उसके बाद अंजू के बाद किसने पिया, अंशुमन ने, जो उसकी फ्रेंड थी अंशुमन, अंशुमन ने कितना पिया, 150 ml। हाँ, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम इन दोनों ने कितना पिया, टोटल वाटर कंज्यूमर, कितना खर्च हुआ टोटल पानी, वो क्या कैसे करेंगे हम, इन दोनों को प्लस करके, 250 + 150 ml, वो किसके बराबर हुआ, 0 0 5 5 हुआ, 10 1 हुआ, कैरी 2 और 1 3 एंड 4, कितना हुआ वो, 400 ml। अब वाटर लेफ्ट इन अंजू'स बॉटल में कितना पानी रहा, था कितना, 1 लीटर, खर्च कितना हुआ, 4। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम माइनस करेंगे, 1000 के माइनस क्या करेंगे, 400 ml। इसको माइनस करेंगे, 0 कितना बचेगा, 600 ml। हमारा कितना पानी बचा बोतल में, 600 ml, इसको पानी बोतल में बचा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी मैं। क्वेश्चन क्या है, रहमान रन से टी स्टार, रहमान होता जो है वो एक चाय की दुकान चलाता है। फॉर मेकिंग ए ग्लास ऑफ टी, एक ग्लास चाय बनाने के लिए ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क, वो 20 ml मिल्क लगाता है एक गिलास चाय बनाने के लिए। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लास, कल उसने कितने चाय के ग्लास बनाए, 100 ग्लास बनाए। और क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, अब बताओ आप उसको कितना मिल्क लगा, एक गिलास में कितना लगाता है वो, 20 ml। अब आपको क्वेश्चन आंसर बताना है कि वो 100 ग्लास के लिए वो कितना दूध यूज करेगा। अब कैसे लिखेंगे हम इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग वन ग्लास ऑफ टी इज इक्वल, कितना एक ग्लास में कितना लगता है, 20 ml। गुड, और अब क्या है, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग 100 ग्लास के लिए कितना लेगा, इसको आप कैसे करोगे, इसको क्या करोगे आप, 100 मल्टीप्लाई किससे कितना, ऐसे करोगे एक ग्लास में कितना, 20
मिलीलीटर, और उसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे कितना बनेगा, जीरो 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 जीरो, ऐसे टू जीरो जा जीरो, टू जीरो जा जीरो, टू वन जा टू, आपको पता होगा एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो 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 और टू, कितना बन गया 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर कितना होता है, किसके बराबर होता है, 2 लीटर। आपको पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000, जब 2000 हो गए तो कितने हो गए 2 लीटर।